हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज क्या नया लेके आया हूँ, आइए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैंने ओपन किया है और यहाँ पर ये डेटा काफी लंबा चौड़ा है, मींस काफी ज्यादा हमारे पास डेटा मौजूद है। ठीक है, तो अब डेटा आपके पास इससे भी ज्यादा हो सकता है, ये तो कोई खास नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा डेटा आपके पास हो सकता है, इससे भी ज्यादा हो सकता है। यहाँ पर रोल नंबर लिखा हुआ है और स्टूडेंट के मार्क्स लिखे हुए हैं। एक चीज गौर करने वाली है, यहाँ पर कुछ लोगों के मार्क्स जो है माइनस में आए हुए हैं, देख सकते हैं आप, कुछ लोगों के मार्क्स माइनस में भी दिए गए हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जो माइनस वाले हैं उनको कम से कम हम रेड कलर से हाईलाइट कर दें और बाकी को ग्रीन कलर से हाईलाइट करें, ताकि ये पता चलता रहे कि ये माइनस वाले हैं। ठीक है, इनको एकदम से बाहर ही करना है, ये पास की क्राइटेरिया में नहीं आएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैनुअली करेंगे तो काफी समय लग सकता है, एक एक करके करिए। यहां से जाइए पहले, फिर यहां से इसको रेड करिए, फिर इस तरह से लाइन वाइज करेंगे, काफी समय लगेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं जिनको हमें रेड या ग्रीन करना है, इस डेटा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, कंट्रोल के साथ वन प्रेस करना है। अब जैसे ही ये प्रेस करेंगे तो यहां पर ये फॉर्मेट सेल्स वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, कस्टम पे चले जाइए, ये जो जनरल लिखा हुआ है इसको हमें हटा देना है, तो ये हमने हटा दिया। अब यहां पर क्या करना है, हमको स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना है, इस तरीके से ओपन स्क्वायर ब्रैकेट करना, और कलर COLOR अमेरिकन इंग्लिश होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आपको यहां पर लिखना है कलर। ठीक है, और यहां पर कलर 4 लिखना है। ठीक है, एक रेड के लिए एक ग्रीन के लिए, तो कलर 4 कर दिया मैंने। और फिर यहाँ पे हैशटैग का यूज करना है आपको, इस तरीके से ये हैशटैग यूज कर लिया, और हैशटैग को यूज करने के बाद वापिस हमें क्या करना है, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना है। फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है कलर 3, तो कुछ इस तरीके से आपको लिख देना है कलर 3। और कलर 3 लिखने के बाद हमें लगाना है माइनस, और उसके बाद दो बार हैशटैग लगा दीजिए, बस हो गया काम आपका। और अब आपको सिंपली ओके प्रेस करना है, और जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं जो कि माइनस में नहीं दिए गए हैं वो हो गए हैं आपके ग्रीन, और बाकी जो माइनस में है वैल्यू वो हो गई है रेड। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जादू, देखिए यहां पर अगर मैं जैसे मान लीजिए बाई मिस्टेक जो है हमने यहां गलती से 94 लिख दिया, यहां पे -9 होना चाहिए था, तो यहां पे जैसे ही आप -9 करेंगे ना ये ऑटोमेटिकली रेड में हो जाएगा। तो ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।